हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बट मैं ठीक नहीं हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया ही था, हम लोग उस टाइम निकलने वाले थे हॉस्पिटल के लिए, बट फिर भाई का कॉल आया कि नंबर आज का लगा हुआ है, आज 2 बजे के बाद का। तो हमने सोचा हम सुबह निकल जाएंगे। एक्चुअली लखनऊ में हमें 2-3 डॉक्टर को दिखाया, तो अलग अलग सब ने बताया, तो हमने सोचा कि एक बार प्रयागराज चलते हैं। मम्मी ने बहुत ज़्यादा जिद करी कि तुम लोग प्रयागराज आ जाओ, दिखवा लो। तो हमने सोचा चलो एक बार वहाँ के भी डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, तो उसी लिए हम लोग चल रहे हैं। ठीक ठाक डॉक्टर हैं हाँ, क्योंकि दो जगह पर अलग अलग रिपोर्ट में आया, हम भी बहुत ज़्यादा डर गए। दीप भी और मेरी मम्मी निकली है, मतलब डॉक्टर ने अलग अलग बताया। तो हम लोग जो दवा है वो हमारा यही लखनऊ से ही कराएंगे, बाकी उनसे सिर्फ चल रहे हैं। अरे राम, दिख रहा है कि नहीं इतनी सारी गोली? एक्चुअली सनलाइट डायरेक्ट आ रही है। तो हम लोग मम्मी को बताने वाले नहीं थे, लेकिन जिस दिन गए थे दिखाने, मम्मी का बार बार कॉल आ रहा था, तो हम लोग कह रहे थे कि अभी चलते हैं बात करते हैं। बट हमें उस दिन हॉस्पिटल में, हम लोग 12 बजे से गए थे, 8:30 बज गया, तो मम्मी को टेंशन होने लगी। फिर हम लोग उस दिन तो नहीं बताए क्योंकि रात में आए, बात करके सो गए। लेकिन फिर सुबह मम्मी का कॉल आया, उन्होंने बोला, कसम दे दिया मम्मी ने कि क्या हुआ है, तब हमें बताना पड़ा। फिर मम्मी पापा मेरे भाई भाभी सब लोग बहुत परेशान हो गए, तो हमने कहा चलो ठीक है। उन लोगों ने बोला कि आके यहाँ पर एक बार दिखवाओ, देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो बस हम लोग अब लखनऊ से निकल रहे हैं, मतलब निकल गए हैं, 10 बजने वाले हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। 12:30 अभी यहाँ से चल रहे हैं, मम्मी को लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मेरी बिटिया रानी एक मिनट मेरे बिना नहीं रहती हैं। तो काफ़ी सारे चेकअप होने हैं, टाइम तो लगेगा ही है ना, इसीलिए मैं मम्मी को लेके चल रही हूँ, क्योंकि मम्मी बड़ी हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे संभालना है। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे घर पहुँचने वाले हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा, पहुँच जाएंगे, देखते हैं वहाँ चल के मम्मी को पिक करेंगे। इसके बाद अभी भाई का कॉल आया था, बोल रहा था कि जितनी जल्दी हो सके आ जाना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर अपने टाइम से नहीं पहुँचोगे तो कोई और चला जाएगा दिखाने, फिर आप वेट करते रह जाओ। घर से कितना टाइम लगता है इलाहाबाद के लिए? 2.5 घंटे लगेंगे। 2.5 घंटे? चलो 3 घंटे ऑलरेडी चला क्या, 2.5 घंटे मुझे और भागना है। इतना फ़ोन घर से आ रहा है, सबका फ़ोन आ रहा है, कहाँ पहुँचे। कौन आ रहा है? ये कौन आ रहा है? मासी। फ्रेंड्स, दोपहर के बज गए 1:30, हमारा जो टाइम मिला हुआ था वो रो गया। अब हम शाम को दिखाएंगे, मम्मी ने लेट कर दिया। अच्छा, और का बिटिया
चाय पी ली बिटिया, पानी पी ला बिटिया, यही कही ले बेटा, वो कही ले। मम्मी बिट्टी 6:30 बजे सोई ने। तो हम लोग हैं बदलापुर, और एक बार मेरा मन किया ना कि मैं संध्या पंडित, आप लोगों को पता ही होगा अनुराग पंडित, मैंने एक बार सोचा कि चलो कॉल करते हैं, मिलते हैं संध्या से, बट फिर मुझे लगा कि यार अभी ठीक टाइम नहीं है। क्यों नहीं है तो आप सभी को पता ही है, संध्या शायद अपने ब्लॉग में बता चुकी है ना कि वो प्रेग्नेंट हैं, एस बता चुकी हैं, तो इसीलिए जो है मैंने नहीं बुलाया। और मेरा बड़ा मन था कि मैं संध्या से और अनुराग पंडित से मिलूं, बट कोई नहीं, देखते हैं कभी फ्यूचर में होगा तो हम लोग मिलेंगे। क्यों बोल देना, सॉरी डियर, नेक्स्ट टाइम आऊंगी, जरूर मिलेंगे। यहाँ बदलापुर से मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी सारे लोग गुस्सा हो जाने वाले। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं कब कहाँ, अभी भी इस रोड पे आना है नहीं आना है फिक्स नहीं था, बट बड़ी भाभी आई थी यहाँ, काम था आराध्या, तो वो मतलब कह रही थी कि मुझे दीदी को देखना है, तो हम उधर से चले जाते। फिर हमने सोचा कि चलो, छोटा भाई भी आया था वो ही, तुमने कहा इधर से ही चलते हैं। तो यहाँ से ना मेरी साड़ियों की खरीदारी होती है जब मैं मेरे मायके आती हूँ, तो यह है सुपर स्टार साड़ीज, हम लोग यहीं से ज़्यादातर लेते हैं। पहले संग्राम से लेते थे ओम कलेक्शन, बट अब यहाँ से लेने लगे हैं जब मैं मेरे मायके आती हूँ। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि भाभी की शादी की खरीदारी सारी लखनऊ से हुई थी, और मेरी मम्मी देखो कितनी खुश हो गई हैं, देखो, और मम्मी के साथ वो भी खुश हैं, अच्छे से बात कर रही हैं। यहाँ पर एक बार भाई ने चाय पिलाई थी, बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। मेरी सारी दवाई गिरा दे रहे हैं, तो हम लोग सोचे चलो पी लेते हैं। वही ए है, एक ही गिरी है। अरे वो तो रखे हैं भाई। हालत खराब हो गई। बैठे बैठे। एक स्पेशल गेस्ट भी आया है। जो लखनऊ वाले डॉक्टर बोले थे वही ये भी बोल रहे हैं, MRI के लिए बोले, तो हम यहाँ पर MRI नहीं करा रहे हैं, हम चलेंगे लखनऊ, वहाँ कराएंगे, क्योंकि हम लखनऊ से बार बार यहाँ नहीं आ सकते हैं प्रयागराज, बस आज MRI करवाएं, कल वही कल कुछ कल रिपोर्ट दें, फिर दवा दें, 7 दिन बाद फिर आओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम चलेंगे लखनऊ। वो तो ना भाई लोग मम्मी काफ़ी परेशान हो गए थे, तो हमने सोचा कि ठीक है चलते हैं, दिखा लेते हैं, इन लोगों की भी परेशानी दूर हो जाए, हमें देख लेंगे तो थोड़ा इन लोगों को भी सुकून आ जाएगा कि हाँ हमारी बिटिया ठीक है, नहीं तो रो रो के सब अपना हालत खराब कर लिए थे। तो हम लोग हैं सास्री, हेलो इलाहाबाद, मिलते हैं 8 बजे संगम पे। नहीं, बहुत भीड़ हो जाएगी, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, वैसे काफ़ी सारे लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, आप यहीं थी आके चली गई, मुझे पता ही नहीं, मैंने कितनी बार बोला हुआ है, पता है ज़्यादातर ना जो है हमें यहीं से देखते हैं, अपने यूपी से ही ज़्यादा देखते हैं, खासकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, और उधर उस साइड हैदरगढ़, लखनऊ, हाँ, तो ज़्यादातर ना कि दी आप यहीं से आए, यहीं चले गए। इवन पता है मुझे ना मैहर से काफ़ी सारे लोग, सतना से देखते हैं बहुत सारे लोग, तो काफ़ी बार कॉमेंट आता है कि आप यहीं इसी जगह रुकी थी, हमें बता देती, हमारे घर से इतनी ही दूरी पे है, बट क्या है ना कि हमारा पहले से फिक्स नहीं होता है। अब की बार जब आएंगे तो बताएंगे। हाँ, इस बार आएंगे जब माता रानी बुलाएंगी हमें, जल्द ही आएंगे, हमारी रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ जाए। वृंदावन जाना है,
देखते हैं कब बुलाते हैं हमारे कन्हैया या फिर कब बुलाती है राधा रानी। इतनी बार वृंदावन गए ना, बट हम बरसाना कभी नहीं गए। और सब बोलते हैं जब तक बरसाना ना जाओ कान्हा का आशीर्वाद नहीं मिलता। बरसाना में ही तो है कान्हा। बरसाना राधा रानी का है। समझ लगा रखी फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 11:35। जस्ट हम रूम पे आ रहे हैं। मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया, चल रहे हैं नाइट ड्रेस पहनने। हालत एकदम ख़राब हो गई, आप लोग समझ सकते हो। लखनऊ से प्रतापगढ़ से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ, ऊपर से डॉक्टर जो यहाँ के डॉक्टर बोलते वही वहाँ के डॉक्टर भी बोल दिए, तो दिल दिमाग में एक ना लड़ाई चल रही है। पता है सबके सामने ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब बात मेरे बच्चों की आती है ना, मेरे दिल दिमाग में बहुत से थॉट्स ऐसे चलने लगते हैं कि अगर सच में मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। खासकर मेरी गुड़िया रानी इतनी छोटी सी हैं, वो पता है मेरे बिना 10 मिनट भी नहीं रह पाती हैं। सो बस गॉड जी से मैं यही प्रे करती हूँ, आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मेरी जो रिपोर्ट है वो सब कुछ नॉर्मल आए। गुड मॉर्निंग। तो यह है हमारा चबैना, इतनी सारी दवा। दवा पीछा नहीं छोड़ रही यार। हे बिट्टी, बिट्टी बिट्टी, मम्मा यहाँ है। ए जीरा मम्मा बिना एक मिनट ना रहे हर दिन। मम्मी उनका सिरा पकड़ लेना, झटकत रहा थी। घबरा थे ना रही है, ना निकल गया। दा मम्मी माँ बिटिया उनका। सो फ्रेंड्स, करते हैं इस व्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सो लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।